सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाए। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट tradingchanakya.com पे। दोस्तों, किसी दोस्त ने मुझसे पूछा है कि भैया ग्राम नंबर के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। तो कई बार ग्राम जो नंबर है वो काफी मदद करता है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, तो आज दोस्तों करेंगे इसी के बारे में बात। देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करता है, कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग में काम आएगा, दूसरा किन जरूरी चीजों का ध्यान रखना है और साथ में मेरी एक स्पेशल टिप्स, एक छोटी सी टिप दूंगा, वो होगा सिर्फ इन्वेस्टर के लिए जो मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो मेरी तरफ से एक पर्सनल टिप मैं आपको दूंगा, तो वो देखेंगे एंड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ग्राम नंबर के बारे में। दोस्तों, ग्राम नंबर क्या है कि एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का तरीका है। इस फॉर्मूले से जो ग्राम नंबर में एक फॉर्मूला बताया गया है उसके बेसिस पे हम किसी स्टॉक की एक फेयर वैल्यू निकालते हैं और वो जो फेयर वैल्यू है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग में काम आती है। अगर उस फेयर वैल्यू से किसी स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा नीचे है, मार्जिन के साथ है, यानी 15-20% नीचे है, 30% नीचे है, तो वो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है उसको बाय करने की और वहां से आप उसको लॉन्ग रन के लिए आप उस स्टॉक को रख सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको अपने पोर्टफोलियो में बने रह सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से उस स्टॉक को परचेज करते हैं तो बेंजामिन ग्राम का कहना यह है कि आपको काफी अच्छा बेनिफिट वो देकर के जाएंगे और जो बीच के जो फ्लक्चुएशन है, जो आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग के बीच में कई बार मार्केट डाउन होता है, कई बार ऊपर होता है, तो उसके बीच में भी आपको एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। तो बेसिक सा दोस्तों कॉन्सेप्ट यही है ग्राम नंबर का। ग्राम नंबर का जो दोस्तों जो नाम है वो बेंजामिन ग्राम के नाम पर ही रखा गया है, जिसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर माना जाता है। और इसके बारे में दोस्तों बड़ा बात कर लेते हैं, एक छोटी सी इम्पोर्टेंट चीज के बारे में। एक तो बेंजामिन ग्राम का कहना ये है कि जब आप इस फॉर्मूले को यूज करके फेयर वैल्यू निकालते हैं तो उसमें दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है कि जिस भी स्टॉक को आप ले रहे हैं उसका पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 15 से कम होनी चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 15 है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि पीई रेशियो तो 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो भी 1.5 से कम होनी चाहिए। अगर इन दोनों रेशो को दोस्तों आप नहीं जानते, मार्केट में आप नए हैं, आपको नहीं पता कि पीई रेशो क्या होता है या प्राइस टू बुक रेशो क्या होता है, तो इन दोनों वीडियो के लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ऊपर मैं आपको आई बटन भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इन दोनों रेशो को समझ सकते हैं। तो पीई रेशो से तो आप यह पता लगाते हैं कि कंपनी की अर्निंग के हिसाब से उसकी कीमत क्या चल रही है। पीई रेशो मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि यह बताती है। प्राइस टू बुक रेशियो ये बता दी कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कंपनी का प्राइस क्या चल रहा है। अगर वो 1.5 गुना है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर 1.5 गुना से ज्यादा है तो वो आप कंसीडर मत करिए। तो सबसे पहले तो आप जिस स्टॉक को ग्राम नंबर के फॉर्मूले से इंट्रेंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं उनमें ये दो चीज तो होनी चाहिए, मतलब इनसे कम ही होना चाहिए, इतना मैक्सिमम हो सकता है, अगर उससे ज्यादा का आप निकाल रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा, इन्होंने ये फॉर्मूला बताया है इसको निकालने का, तो घबराइए बिल्कुल मत, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, वहां पर 1 सेकंड में जिस भी स्टॉक का आप ग्राम नंबर निकालना चाहते हैं, यानी एक इंट्रेंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू, वो आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो जो इन्होंने बताया है उस हिसाब से 15 तो इन्होंने पीई माना है कि मैक्सिमम भाई 15 पीई किसी स्टॉक का, प्लस 1.5 जो इन्होंने माना है वो माना है प्राइस टू बुक रेशियो को, तो उस हिसाब से इन्होंने एक एग्जांपल दिया है फॉर्मूले का। दूसरा, ये कहते हैं कि आपको इसके निकालने के लिए आपको एक तो नेट इनकम को डिवाइड कर दीजिए शेयर आउटस्टैंडिंग से, और ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा जो पूरा ब्रैकेट है शेयर होल्डर्स इक्विटी और शेयर आउटस्टैंडिंग। तो ये थोड़ा सा अगर आप एक एक चीज लेंगे ऑनलाइन, मतलब बैलेंस शीट से लेंगे, नेट इनकम लेंगे, शेयर आउटस्टैंडिंग लेंगे, फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी लेंगे, फिर शेयर आउटस्टैंडिंग लेंगे, और जब पूरा कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इन दोनों का एक चीज आप ले सकते हैं, इन दोनों की जगह वो ले सकते हैं आप ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, यानी अर्निंग पर शेयर ले लीजिए, आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ईपीएस आप उठा सकते हैं,
ईपीएस जो होता है इसका मतलब यही है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर आउटस्टैंडिंग। और अगर आप इस ब्रैकेट को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा स्टॉक की बुक वैल्यू ले सकते हैं। तो ईपीएस ले सकते हैं इसकी जगह, पूरे ब्रैकेट की जगह ईपीएस, और इस पूरे ब्रैकेट की जगह हो जाएगा बुक वैल्यू। तो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाता है अगर कोई मैनुअली कैलकुलेट करना चाहता है, किसी की भी इच्छा है कि मैनुअली कैलकुलेट करना है, या आपको देखना है कि जो वेबसाइट पे डाटा आ रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं है, तो उस केसेस में हमें जरूरत पड़ती है मैनुअली कैलकुलेट करने की, तो उस बेसिस पे आप इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये दो तरीके लेकर के, और पीई रेशियो प्लस आपका बुक वैल्यू को जो रेशियो दिया गया है इसको लेकर के आप एक फेयर वैल्यू निकाल लेंगे। अगर उस फेयर वैल्यू से स्टॉक की कीमत ज्यादा चल रही है तो ओवर वैल्यूड है, अगर उससे कम चल रही है, कुछ प्रतिशत कम है, 10-15-20% यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, तो आप उसको ले सकते हैं। दूसरा बेंजामिन ग्राम साहब कहते हैं कि फेयर वैल्यू निकालने के बाद आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये लिखा है ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है कि मान लेते किसी स्टॉक की फेयर वैल्यू निकली 100 रुपए और उसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है 98 पे, तो वो कहते हैं कि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है 2% की रही, 2% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा नहीं है, कम से कम 15-20% या 25% के अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाए, यानी 100 रुपए की फेयर वैल्यू वाला स्टॉक अगर 70-80 रुपए या 85 रुपए तक आपको मिल जाए, तो उसमें जो 15% का डिफरेंस होता है वो आपको काफी मदद करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट जो है गिर रही होती है, डाउन ट्रेंड में होती है, तो उस केसेस में मार्केट फेयर वैल्यू से ज्यादा नीचे चले जाता है, लेकिन जब हमने मार्जिन ही पहले 15-20% का ले लिया तो उसके नीचे जाने की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, यानी वहां से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। अगर आपका स्टॉक आपने सिलेक्शन सही करा है, सारी चीजें ठीक है, तो वहां से नीचे नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा तकलीफ उसको होगी, राइट। तो उनका मानना यह था, इस वजह से वो हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर के चलते हैं, यानी जिस भी फेयर वैल्यू है उससे थोड़ा सा 15-20% थोड़ा सा नीचे खरीदे। अब दोस्तों इसमें कुछ जरूरी बातें हैं, जरूरी बातें ना हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वैल्यू निकलेगी कैसे। तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल है, आपको एक वेबसाइट पे आना है, इस वेबसाइट का नाम है screener.in। मैं बहुत बार आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, screener.in के बारे में, काफी लोग इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर बड़े सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ लॉगिन करेंगे, यहाँ ऑलरेडी मैं लॉगिन हूँ। 2-3 चीजें आपको डालनी होगी, मेल आईडी वगैरह या पासवर्ड वगैरह 1-2 चीजें डाल करके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप साइन अप कर लीजिए, साइन अप होकर के लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद जिस भी स्टॉक का आपको चेक करना है कि ग्राम नंबर क्या है, तो ये ऊपर एक कॉलम दिया गया है कंपनी सर्च का, आप इस पे टाइप कीजिए। एग्जांपल के लिए हम टाइप कर लेते हैं TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, और इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसका पूरा ब्यौरा आ जाएगा भैया यहाँ पर, मार्केट कैप कितनी है, करंट प्राइस क्या चल रहा है, 52 वीक हाई लो क्या है, बुक वैल्यू क्या चल रही है, ROCE क्या चल रहा है, स्टॉक का PE क्या चल रहा है, ROE क्या चल रहा है, डिविडेंड यील्ड क्या है, सेल्स ग्रोथ कितनी है लास्ट 3 इयर्स की। तो ये जो सारी रेशियोज है ये तो डिफॉल्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन दिया गया है एड क्विक रेशियो। यहाँ पर दोस्तों इतनी सारी रेशियोज अवेलेबल है, आप उसको एड कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो हमें चाहिए ग्राम नंबर, तो हम यहाँ सर्च करते हैं ग्राम नंबर। तो जैसे मैंने यहाँ सर्च करा तो नीचे आपको ग्राम नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट आप करेंगे तो आपको ग्राम नंबर यहाँ पर रेशियो आपको दिखाई, मतलब ये ऐड हो गया है, सेव हो गया है। अब ये ग्राम नंबर आपको यहाँ दिखाई देगा, ये है 622 रुपए, यानी ये ग्राम नंबर का जो फॉर्मूला है ये कहता है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो स्टॉक है अगर 622 रुपए इसकी फेयर वैल्यू है, अगर इसके मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम इसमें ऐड कर दें यानी माइनस कर दें मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी 15% की, तो यानी 550 रुपए के आसपास यानी 570 रुपए के आसपास अगर आपको मिले तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉक तो चल रहा है 2000 रुपए का, भाई 500 रुपए का आएगा नहीं आएगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो एक तरीके से ये ग्राम नंबर आपका फेयर वैल्यू का काम करता है। दूसरा हम एक बार MRF देख लेते हैं। तो जब आप किसी सेकंड स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे तो बार बार रेशियो ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो जो है लग गई तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती रहेगी। जैसे ग्राम नंबर आ रहा है ये 39,230 और जो करंट प्राइस चल रहा है इसका ये चल रहा है तकरीबन 74,499 रुपए,
यानी 74,499 रुपीज। तो ये दोस्तों फेयर वैल्यू का एक तरीका है। अब कुछ लोग मेरे ऐसे कहेंगे कि भैया क्या हम इंतजार करें ये 75,000 रुपए का स्टॉक, जब तक हम 39 का नहीं आता तो हम क्या वेट करेंगे, ये कब आएगा कब नहीं आएगा, तो कब मौका मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो बेंजामिन ग्राहम साहब है उनका जो फॉर्मूले है, उनके जो तरीके हैं, वो सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। वो आपको ये नहीं कहते कि आप जो कंपनी चल रही है या ओवर वैल्यूड है उनके फॉर्मूले के हिसाब से आप उसको खरीदें। वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, कंपनी की क्वालिटी क्या चल रही है, अभी MRF इतने साल से चल रहा है, उनके फॉर्मूले में उनसे कोई मतलब ही नहीं है। आप उसको जिंदगी में नहीं खरीद पाओगे बेंजामिन ग्राहम के फॉर्मूले से। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को खरीदने की सोचते तो जिंदगी में माइक्रोसॉफ्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से खरीदने का मौका ही नहीं मिलता। उनके जो तरीके वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर फिट बैठते हैं। अगर नहीं बैठते तो अपना तरीका चेंज करिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग मत करिए, आप क्वालिटी वाइज इन्वेस्टमेंट करिए, है ना। तो अगर आप इसका वेट करना चाहेंगे तो वो तो एक बेवकूफी है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये इन फ्यूचर कभी इस रेट पे मिलता है वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो आपको स्टॉक ही ऐसे चुनने हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए है, क्योंकि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेस अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। आप महंगे स्टॉक्स नहीं खरीद सकते, क्वालिटी वाइज मैनेजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। तो ये दोस्तों मेन इसका जवाब है। अब कुछ जरूरी बातें हैं वो जरा देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा था कुछ जरूरी बातें हैं। जरूरी बातें ये है कि दोस्तों कि जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है जो फॉर्मूला, एक बहुत छोटी सी चीज है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एडवांस्ड सीखना चाहते हैं और अच्छा सीखना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन क्या रहेगा, आप इनकी बुक जो है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसको पूरा पढ़ लीजिए। वहां से आपको बहुत मदद मिलेगी और जो सारे पॉइंट्स है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अब बात आती है दूसरा दोस्तों सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट ये है कि जिस स्टॉक को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका जो EPS है, अर्निंग पर शेयर है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी सकारात्मक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो आप उस स्टॉक को मत लीजिए। दूसरा, वो कहते हैं कि इंक्रीजिंग सेल स्टॉक आप जो चुनेंगे वो इंक्रीजिंग सेल वाला चुनेंगे, मतलब कि एक साल अगर किसी कंपनी की सेल 100 है तो उससे अगले साल उससे ज्यादा, उससे अगले साल उससे ज्यादा, उससे अगले साल उससे ज्यादा, यानी सेल्स जो है वो लगातार इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। EPS अप डाउन हो सकता है, EPS में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है, इंक्रीजिंग EPS नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, EPS नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बस आप उसको ऊपर नीचे कंसिडर कर सकते, कोई इशू नहीं है। और सेल्स जो है हमेशा इंक्रीजिंग ही चाहिए, डिक्रीजिंग या फ्लक्चुएशन वाली नहीं चाहिए, वो नहीं कहते कि ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करें। दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चुने हुए सभी शेयर मुनाफा नहीं देते। आप किसी भी तरीके से स्टॉक को चुन लीजिए, सभी स्टॉक नहीं चलते। अगर आप 10 स्टॉक को चुन रहे हैं उदाहरण के लिए, तो 10 में से 2 या 3 स्टॉक ऐसे होते हैं जो कमाल का रिटर्न, या आग लगा देना फूलझड़ी में या फिर किसी बॉम्ब में, तो उस तरीके से भागते हैं वो, जैसे किसी ने आग लगा दी पीछे और वो भाग रहे हैं। तो 2 या 3 स्टॉक आपको कमाल का रिटर्न देते हैं। दूसरा, ये कहते हैं कि सारे पैसों को एक बार में ना लगाएं, पैसों को हमेशा हर महीने थोड़ा थोड़ा करके लगाएं। बीच में जब मार्केट डाउन होती है तो जो आपके स्टॉक अच्छे चल रहे हैं, जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, भाग रहे हैं, उनपे एवरेज करते रहे, उनको मंदी के टाइम खरीदते रहे। जैसे कि वॉरेन बफेट साहब ने कोका कोला को हर मंदी के टाइम पे खरीदते गए और बहुत बड़ा उन्होंने उसके अंदर रिटर्न कमाया। तो इस तरीके से आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। अगला दोस्तों लास्ट है कि अच्छे शेयर में मंदी के समय खरीदारी करते रहे, जो अभी मैंने आपको बताया। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग रन में, क्योंकि इनका जो तरीका है वो इंस्टेंट काम नहीं करता है, टाइम देना पड़ेगा। हमेशा स्टॉक के लॉन्ग रन के लिए रखते हैं, बहुत सालों के लिए रखते हैं, और उसी के बेसिस पे अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा और कमाल का रिटर्न विद कंपाउंडिंग आप उसमें कमा पाएंगे। तो ये दोस्तों तरीका था इसके अंदर काम करने का। अब दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था एक इम्पोर्टेंट टिप दूंगा। इम्पोर्टेंट टिप क्या है, तो भैया जो लोग इसको सीखने का समय नहीं है या सीखना नहीं चाहते या समझ नहीं आता, कुछ भी एनीथिंग एल्स है, और स्टॉक मार्केट में फिर भी पैसा लगाना चाहते हैं, तो एक ETF है, मैं पहले बता चुका हूँ, उसका नाम है NV20, यानी निफ्टी वैल्यू 20 है हमारा 50 का,
उसके अंदर से आपको कुछ 20 स्टॉक जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग के दिए गए हैं, आप उस ETF को खरीद लीजिए हर महीने, दैट्स इट। कुछ नहीं करना, कोई बेचना नहीं, कोई मार्केट का ध्यान नहीं रखना, सीधा 20 साल बाद 25 साल बाद रिटायरमेंट के टाइम या अपने बच्चों की शादी के टाइम, और कम से कम 10-15-20 साल का टाइम होना चाहिए, उसके अंदर एवरेज करते रहे, हर महीने खरीदते रहे, SIP करते रहे, और वहां से आपको बहुत पैसा बन जाएगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। आप चाहे तो ग्राम नंबर का यूज करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, सब कुछ लगता है। नहीं करना चाहते तो NV20 का ETF है, सर्च कर लीजिए, 3 कंपनियां मेरे ख्याल से ICICI, कोटेक और एक कंपनी हो रहा है और शायद रिलायंस है, तो ये तीनों ETF अवेलेबल है। आप NV20 का नॉर्मली जैसे शेयर खरीदते हैं ऐसे आप खरीद सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, कैसा लगा जरूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ कमाल की वीडियो के साथ। किसी वीडियो का सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, बाय बाय दोस्तों।